करूंगा। हम इन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती कर रहे हैं। इस बेगैरत और फासक और फाजर और यहूदी एजेंट की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, इसको घर भेजा जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आशिफ पठान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हुसैनागंज चौक पर, जहां पर पीडीएम महंगाई और फिर रोज़गारी के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, जिसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की है और यहां पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। तो आइए जानते हैं इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात। चीनी महंगी, घी महंगा, मौत भी महंगी, लूट के ले गया न्यासी तू, भूखी मर गया वहाँ। आप हमारे हाथ में रोटी देख रहे हैं, ये उस गरीब की रोटी है जिन्होंने, जिसको इमरान खान कमीने ने उनसे छीनी है। आटा देखे कहाँ जा रहा है, चीनी चोर, आटा चोर, दवाइयाँ चोर, बिजली चोर। अल्लाह इसे गारत करे, अल्लाह इसे हटाए, अल्लाह इसको यहाँ से भगवाए। आज ये जो रश है, ये नवाज शरीफ की मोहब्बत का रश है और उस मोहब्बत की वजह से इंशाल्लाह ये जो है, ये न्याजी इंशाल्लाह चला जाएगा। अब बहुत हो गई है, थक गए, दुनिया थक गई इस महंगाई ने। वो मारा है गरीबों को, वो मारा है गरीबों को, मैं बता नहीं सकता, लोग रोते हैं। इस वक्त मुल्क में महंगाई का तूफान है, समुंदर है महंगाई का। लोग इस महंगाई में बहते चले जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां जीर्ण हो गई हैं। सफ़ेद पोश तबका तो ना किसी को बताने के काबिल है। आप देखें, घी 300-400 रुपये किलो हो गया, चीनी कहाँ हो गई, आटा कहाँ चला गया। मसला तो आवाम का है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। आवाम के बिजली के बिल महंगे हो गए, आटा महंगी है, चीनी महंगी है, किराएदार अपने किराए नहीं दे सक रहे, सैलरी बेसिस वाले लोग, सैलरी वहीं पर है, डॉलर 174 पे प्लस चला गया है। इसका ये जो एहतजाज है महंगाई के और इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ है, उसमें हमारे सारे चेयरमैन, काउंसलर्स और पूरी मुल्तान की आवाम आई हुई है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मियां नवाज शरीफ यहाँ पर होगा और मुल्क दोबारा से तरक्की करेगा।